हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बेबी के लिए टॉप कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से पहले एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई लेंगे, यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो यहाँ पर हम लंबाई लेंगे, लंबाई है हमारी 20 इंच। हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 22 इंच हमारी लंबाई है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने लंबाई ली, यहाँ पे हमने लंबाई ली, लंबाई में आपको जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमें गले का नाप लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे गले का नाप लेते हैं। गले का नाप है हमारा 2 इंच। 5 इंच पे हम शोल्डर का नाप लेंगे, आर्मोल लेंगे हम 4.5 इंच। इसका हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे 6 इंच। चेस्ट का 1/4 है हमारा 6 इंच। इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम गोलाई देंगे। 1 इंच पे जो मार्किंग है वो फ्रंट साइड की देंगे और 1.5 इंच पे जो मार्किंग है वो बैक साइड की गोलाई रहेगी। यहाँ पे हमें 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम कमर का नाप लेते हैं। कमर का 1/4 है हमारा 5 इंच। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। घेरा जितना है उतना ही हम घेरा रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से घेरा 7.5 इंच हम घेरा लेंगे। अब यहाँ पे हमें जैसे चेस्ट से कमर तक और कमर से ये घेरा जो है यहाँ तक हमें इस तरह से सीधा लेना है। और ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिंग है। गला जो है, गले के लिए हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। इसका हम राउंड शेप देंगे। अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। हम बाहर के साइड से जो मार्किंग किया है, एक्स्ट्रा जो लिया है हमने, वो कट करेंगे। पहले हम बैक साइड का जो आर्महोल है उसको कट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक साइड का गला जो है वो साथ में ही कट कर लेते हैं। शोल्डर को भी हम बीच में से इसको कट करेंगे। ये जो एक बीच की साइड है ये हमारी बैक साइड है और ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको कट कर लेते हैं। फ्रंट साइड का जो 1 इंच पे हमने आर्म होल लिया था उसको हम कट करेंगे। इस तरह से हमें ये कट करना है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो ये हमारा टॉप, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं।
अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कट करनी है, तो हम इस तरह से जैसे एक बार फोल्ड किया था फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। स्लीव जो है हमारी वो बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये सीधा आएगा। जैसे 3 इंच हमारी तैयार स्लीव्स है, 3 इंच हमारी तैयार स्लीव्स है, तो हम 1.5 इंच लेंगे इसमें सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम एक लाइन और देते हैं, यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप देते हैं। इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो फ्रंट साइड है हमारी, इसको हमें फ्रंट साइड की थोड़ी सी गोलाई देनी है। इस तरह से फ्रंट साइड की गोलाई देनी है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे बच्चे के लिए टॉप की कटिंग आपको करके दिखाई है, ये देखिए। यहाँ पे आप गले के लिए पाइपिंग भी बना सकते हैं, नहीं तो कैनवस वाला गला भी आपको चाहिए तो छोटा सा राउंड शेप में या वी शेप में भी गला आप बना सकते हैं। आपको फ्रंट साइड ओपन चाहिए तो आप जो फ्रंट साइड हमने कटिंग की है उसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं, नहीं तो बैक साइड आपको छोटी सी हुक लगाने के लिए या डोरी डालने के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ पर बैक साइड 2-3 इंच कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल आपको कटिंग करके दिखाई है। तो ये हमारी फ्रंट साइड है और बैक साइड है और ये हमारी स्लीव्स है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।